नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव की, क्योंकि सूर्यदेव तुला राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं 17 अक्टूबर से, जहां वो एक महीने रहेंगे। और तुला राशि में उनका ट्रांजिट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो सूर्य की नीच राशि है, वहाँ पर सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए ये ट्रांजिट इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रांजिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये ट्रांजिट हो रहा होगा उस दरमियान बृहस्पति जो हैं वो भी ट्रांजिट करेंगे 5 तारीख को। और बृहस्पति जब एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिशन में रहेंगे तब उनकी स्थिति में भी कमी आएगी, कमज़ोरी आएगी। और क्योंकि वो जल तत्व राशि से अग्नि तत्व राशि में जाएंगे तो इस एडजस्टमेंट में बृहस्पति भी कमज़ोरी में रहेंगे। और इसी दरमियान सूर्य जो हैं वो अपनी नीच राशि में संचरण करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट रहेगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सूर्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्यदेव जो हैं वो आरोग्यता के कारक हैं। जितनी भी सृष्टि में एनर्जी है वो सूर्य की वजह से है। पेड़ पौधे सूर्य से अपनी एनर्जी लेते हैं और जानवर इंसान सभी कुछ सृष्टि सारी सूर्य की बदौलत ही चलती है। तो दोस्तों, ये हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सूर्य, ये कमज़ोर होने जा रहा है और इसका प्रभाव जो है बड़ा ही व्यापक पड़ेगा। सूर्य जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे कि सूर्य स्किन के कारक हैं बुध के साथ, नेत्रों के कारक हैं सूर्य, हमारा जो ढांचा है वो पूरे हड्डियों के कारक सूर्य हैं। तो आप देखेंगे कि इस दरमियान जब सूर्य नीच के होंगे तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ या आँखों की समस्याएं या ज्वर के भी, ज्वर भी सूर्य की वजह से होता है, तो ज्वर की समस्या, ये सब समस्याएं जो हैं वो थोड़ा बढ़ जाएंगी, उसके लिए सावधानी आवश्यक है। साथ ही आपकी जो राशि है, आपकी जो लग्न है, तो सूर्य आपके जिस भाव से संबंधित ग्रह हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी आप महसूस करेंगे। और साथ ही आपको ये भी महसूस होगा कि एक जीवन शक्ति में भी थोड़ी सी कमी महसूस आप करेंगे इन जनरल। तो दोस्तों, ये सूर्य का जो ट्रांजिट है, ये आइए देखते हैं कि आपकी लग्न राशि, दोनों से आप ये देख सकते हैं, लग्न आपकी हो या राशि हो, दोनों से ही आप ये देखिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि जो है, मेष राशि शुरू करने के पहले दोस्तों मैं पहले ये आपको बता दूं कि ये ट्रांजिट कितने दिनों का रहेगा। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि सूर्य लगभग 30 दिन एक राशि में रहते हैं, रोज़ 1 डिग्री का मार्ग सूर्य प्रशस्त करते हैं, तय करते हैं। तो 30 दिनों तक सूर्य रहेंगे तुला राशि में, और तुला राशि में सूर्य इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि तुला राशि पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, पश्चिम दिशा की मानी जाती है, और सूर्य पूर्व में बलि होते हैं, पूर्व में उदित होते हैं, पश्चिम में वो जा करके सनसेट होता है। तो इस वजह से पश्चिम दिशा में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है, पश्चिम दिशा की स्वामी है तुला राशि, इसलिए वहाँ पर सूर्य कमज़ोर होते हैं। इस ढंग से भी इंटर रिलेट कर सकते हैं आप। तो जैसा मैं बता रहा था कि 3 नक्षत्र इसमें आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा के 2 चरण और स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण, 9 चरण मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, स्वाति का स्वामी राहु है और विशाखा के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। तो दोस्तों, जब चित्रा में सूर्य रहेंगे लगभग 6 डिग्री 40 मिनट अर्थात 6 से 7 दिन के सक्का समय, तो
उस समय चूंकि चित्रा नक्षत्र मंगल का है तो सूर्य को उतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, चित्रा नक्षत्र में सूर्य का बल बना रहेगा। और इसके बाद स्वाति में जब आएंगे तो राहु के साथ आ जाएंगे, उस समय हम देखेंगे कि चूंकि सृष्टि में भी काल सर्प दोष की रचना हो रहेगी उस समय पर, जब चंद्रमा अंदर आ जाएगा राहु केतु के साथ लगभग 22-23 तारीख को मिथुन राशि में चंद्रमा जब आएंगे उसके बाद वो काल सर्प दोष की सृष्टि पुनर् हो जाएगी। तो जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होंगे काल सर्प दोष की सृष्टि होगी, और उसी समय 17 और 7, 24 तारीख के आसपास से लगभग 13-14 दिनों के लिए सूर्य राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो उस समय हम देखेंगे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी। उस समय बृहस्पति भी चूंकि कमज़ोरी पर रहेंगे इसलिए उस समय हो सकता है कि राहु के प्रभाव में सूर्य जब आता है, और सूर्य आत्मा का कारक है, राज्य सत्ता का भी कारक है, तो उस समय अलग विभिन्न देशों में जो राज्य सत्तासीन जो लोग हैं, जो लोग पावर में हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में कुछ गलतियां हो सकती हैं। ये हम देखेंगे कि कुछ मिस्टेक्स जो सत्तासीन लोग हैं वो कर सकते हैं। साथ ही कुछ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी कुछ देशों में आ सकती है, तो ये हम देखेंगे। और भारत में भी चुनाव का समय वो रहेगा, और चुनाव में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी वो भी निश्चित है। तो दोस्तों अभी जो राज्य सत्ता में लोग हैं उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ जाएगा, और कुछ डिसीजन मेकिंग में कुछ गलतियां भी वो कर सकते हैं क्योंकि सूर्य अभी नीच के रहेंगे। तो ये परिस्थितियाँ जो है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से मैं आपसे कर रहा हूँ। साथ ही पश्चिम के जो स्थान है, चूँकि पश्चिम में सूर्य रहेंगे इसलिए वहाँ पर कुछ तकलीफ की स्थिति बन सकती है, और राज्य पक्ष के लिए भी वहाँ पर कुछ तकलीफ की स्थिति भी ये सूर्य बनाएगा। तो दोस्तों ये रही मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात, अब आइए देखते हैं कि आपके लिए ये क्या प्रभाव लेकर के आएगा। सबसे पहले मेष लग्न मेष राशि के लिए ये सातवें भाव में गोचर होगा, और आपके पांचवें भाव का ये मालिक है, पांचवें स्थान का मालिक सूर्य बनता है। आपके लिए ये भ्रमण लेकर के आ सकता है, पेट से संबंधित रोग लेकर के आ सकता है, साथ ही उन्नति की प्रक्रिया को भी ये बढ़ाएगा आपके लिए। और जो लोग लव अफेयर्स वगैरह वाली जो बातें हैं तो वहाँ पर ये लव अफेयर शादी में कन्वर्ट होने के लिए परिस्थितियों को बनाएगा, और आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ मैं शादी करूँगा या मैं शादी के विषय में सीरियसली सोचूँगा, इस तरह से आप सोच सकते हैं। साथ ही मेष राशि वालों के लिए ये कुछ मानसिक परेशानी भी लेकर के आएगा, और पत्नी के स्वास्थ्य के विषय में विशेष रूप से कुछ परेशानी हो सकती है, व्यवसाय में भी आपके कुछ हानि हो सकती है। तो मेष राशि के लिए कुल मिलाकर के उलझाव वाला और भ्रमण वाला समय रहेगा, पेट से संबंधित तकलीफ, पत्नी के स्वास्थ्य को कष्ट। वृषभ राशि के लिए जाएं अगर हम, तो वृषभ राशि के लिए दोस्तों ये छठवें स्थान में हो रही है, ये ट्रांजिट हो रहा है, और छठवें स्थान में जब क्रूर ग्रह आता है तो वो शुभ फल देता है, तो आपको रोगों से मुक्ति मिल सकती है, शत्रुओं से भी मुक्ति मिल सकती है, शत्रु पराभव होगा, शत्रु आपसे परास्त होंगे और आप अपना सिक्का जमाने में कामयाब रहेंगे। वृषभ राशि के लिए ये इसका फलित अच्छा है। चौथे भाव का सूर्य मालिक है तो वाहन वगैरह चलाने में आप सावधानी रखें, जमीन वगैरह का जो सौदा है वो अभी ना करें तो आप लाभ में रहेंगे। इसके पश्चात मिथुन राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है ये पांचवें भाव में हो रहा है, और तीसरे भाव के ये स्वामी बनते हैं आपके, तो आपके छोटे भाइयों के साथ में वाद विवाद आपका हो सकता है, मत मतांतर हो सकता है, और पुत्र को भी कष्ट हो सकता है इस दरमियान।
और साथ ही रोगों की आपको चिंता रहेगी। तो ये जो समय है ये परेशानीदायक हो सकता है। हाथ में आपके चोट लग सकती है, उस विषय में भी आप सावधानी रखें। मन थोड़ा शांत रहेगा क्योंकि पंचम भाव में नीच के सूर्य जब रहेंगे तो शुक्र को भी प्रभावित करेंगे, तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके बाद कर्क राशि, तो कर्क राशि के लिए ये दूसरे भाव के मालिक हैं और ये जा रहे हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में जब क्रूर रह जाता है तो परेशानी पैदा करता है, तो आपके लिए सुख की हानि हो सकती है, सुख में कमी होगी और साथ ही रोगों में भी वृद्धि हो सकती है। पद आपका, चूँकि पद का स्थान है द्वितीय भाव, तो पद में भी कुछ कमी हो सकती है। मन शरीर दोनों जो है इस समय में अस्वस्थ रहेगा। सूर्य का ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है, कर्क राशि वालों के लिए। इसके पश्चात सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य स्वयं है, सिंह राशि के लिए तृतीय भाव में सूर्य जाएंगे तो तृतीय भाव तो अच्छा फल देता है, क्रूर ग्रह तृतीय भाव में, तो धन संचय की स्थिति बनाएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा। लेकिन साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है। चिड़चिड़ाहट, परेशानी, खीज हो सकती है इस समय में। भाइयों से भी कुछ सहयोग मिलेगा लेकिन मत मतांतर भी होगा, दोनों तरह की स्थितियां रह सकती हैं। तो ये जो मिला जुला समय आपके लिए रहेगा, कुछ मामलों में लाभ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, सफलता भी मिलेगी, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य और चिड़चिड़ाहट की स्थिति आपके लिए रह सकती है, तो ये सिंह राशि के लिए फलित होगा। कन्या राशि आपके लिए सेकेंड हाउस में सूर्य का ट्रांजिट होगा और सेकेंड हाउस जो है धन का स्थान है और शुक्र की राशि धन का स्थान और वहाँ पर सूर्य क्रूर ग्रह पहुँचने पर आपके धन में अचानक कुछ नुकसान हो सकता है, धन का नष्ट हो सकता है, धन अपव्यय होगा। साथ ही चूँकि आँखों का स्थान है ये, तो आँखों को कष्ट हो सकता है, आपको मुख में भी छाले वगैरह हो सकते हैं, तो ये हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं। साथ ही धन का के विषय में परेशानी आ सकती क्योंकि ये बारहवें भाव का स्वामी दूसरे में जब जाएगा तो धन का नाश निश्चित रूप से कराएगा। तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है, इस समय में सावधानी रखिए। तुला राशि जिनके लग्न में ये ट्रांजिट होने वाला है, तो लग्न में जब सूर्य आएंगे और शुक्र की राशि है आपकी, तो आपको खेद, परेशानी, मानसिक संताप, उदर रोग, ये सब हो सकता है। कुछ धन की प्राप्ति जरूर हो सकती है क्योंकि एकादशेश है और लग्न में आएंगे, लेकिन मानसिक परेशानी, रोग में वृद्धि, ये सब ये जरूर करा सकते हैं, तो आप थोड़े परेशान रहेंगे। हालांकि पैसों की वृद्धि हो सकती है, तो तुला राशि के लिए ये फलित है। खास करके तुला राशि में शुक्र स्वयं बैठे रहेंगे और 28 नवंबर को वो तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो 28 नवंबर तक परिस्थितियां अंडर कंट्रोल रहेंगी, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। इसके पश्चात वृश्चिक राशि में दोस्तों 12वें भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है और 12वां भाव जैसा कि हम सभी जानते हैं हानि का भाव है, लॉसेस का भाव है, दूर देश का भाव है, विदेश का भाव है, तो इस समय में आपको काम के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में बहुत दूर दूर यात्रा करना पड़ सकता है। साथ ही आपका ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, आपके लॉसेस हो सकते हैं, पद प्रतिष्ठा में भी कमी ये करा सकता है। तो ये जो ट्रांजिट है आपके लिए यात्रा वाला और परेशानी वाला रहेगा, इसके लिए आप सावधानी रखिए। सूर्य को आप पुष्ट कर सकते हैं पूजा वगैरह करके। धनु राशि जो है, धनु राशि के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। धनु राशि जो कि फोकल पॉइंट पे है ग्रहों के, तो उनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है क्योंकि ये उनके एकादश स्थान में हो रहा है और हम जानते हैं कि एकादश स्थान में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो एकादश में जब सूर्य का ट्रांजिट होगा, आपका नवम भाव का भाग्य स्थान का स्वामी है, तो आपको अच्छे नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिससे आप अपने आप को प्रूव करें। जय का, लाभ का समय आपके लिए रहेगा और बृहस्पति भी साथ ही साथ आ रहे हैं,
धनु राशि में, तो आपके लिए ये सिग्नल देगा सूर्य कि अब बढ़िया समय आपका, अच्छा समय, कंपैरेटिवली कंफर्टेबल टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो आपके लिए शुभकामनाएं। मकर राशि के लिए दसवें भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है और आपका अष्टमेश है सूर्य, तो अष्टम स्थान जो है रुकावटों का, मृत्यु का, खोज का स्थान है, अन्वेषण का स्थान है, उसका स्वामी नीच का होकर के दशम भाव में जब आता है तो ये जो समय है ये आपके लिए नौकरी में कुछ कष्ट ला सकता है, साथ ही बॉस को आपके परेशानी हो सकती है, जो भी आपके बॉस हैं वो, उनका ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, उनको परेशानी हो सकती है और नौकरी में आपको भी कुछ परेशानी हो सकती है, उपहार वगैरह की प्राप्ति भी ये करा सकता है सूर्य जो है अचानक कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपने कुछ अच्छा काम किया हो तो उसमें उपहार वगैरह की प्राप्ति भी, ये अवार्ड्स वगैरह की प्राप्ति भी करा सकता है। तो ये आपके लिए मिला जुला सा फल देगा, आपके बॉस के लिए ज़्यादा ख़राब है आपकी तुलना में। कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि के लिए ये आपत्ति, दीनता, परेशानी, रोग, पुत्र और भाई को कष्ट, इस तरह के फल लेकर के, ख़राब फल लेकर के आ रहा है। तो ये जो है सूर्य का ट्रांजिट, आपका सप्तमेश है सूर्य और वो नवम भाव में जाएगा, तो लेकिन नीच का होकर चूँकि जा रहा है इसलिए ये सब अड़चने, परेशानियां देगा, पत्नी को भी कष्ट हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी, तो आप अपने करीबी जनों की परेशानियों के कारण परेशान रह सकते हैं और इसके लिए आपको ज़रूर सावधानी रखना चाहिए। इसके पश्चात मीन राशि, जिनके लिए ये जो ट्रांजिट है वो अष्टम भाव में हो रहा है, तो अष्टम भाव जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि खराब भाव है, सूर्य जब भी वहाँ जाते हैं या कोई भी ग्रह क्रूर ग्रह जाए तो कष्ट देता है, शारीरिक कष्ट देता है, कॉन्फिडेंस में कमी ला देता है, रोग देता है और मन अशांत रहता है, तो इस तरह के सब परेशानियाँ होती हैं, दुख, भय, ये सब होता है, कभी कभी किसी प्रियजन की मृत्यु वगैरह भी हो जाती है जब क्रूर ग्रह अष्टम में संचरण करते हैं, सूतक लग जाता है, ये सब परेशानियां जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं। साथ ही वरिष्ठ जनों को, चूँकि सूर्य बॉस का, अपने वरिष्ठ जनों का कारक है, वो जब अष्टम में जाता है तो वरिष्ठ जनों की नाराज़गी भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है, नौकरी में यदि आप हैं तो आपके बॉस अभी नाराज हो सकते हैं, तो इस तरह से मीन राशि के लिए ये फल होगा। तो दोस्तों, हमने सभी राशियों की चर्चा की और अगर नो डाउट आपकी राशि के लिए कष्टप्रद स्थिति है तो इसका उपाय क्या है, क्योंकि सूर्य कोई भी ग्रह जब नीच का होगा तो सिर्फ जब वो 3, 6, 11 या 10 ऐसे चार भावों में 3, 6, 10, 11 में ट्रांजिट करता है कोई भी ग्रह, क्रूर ग्रह खास करके, तो अच्छा फल देता है, लेकिन चूंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल किसी को नहीं मिल रहा है, तो निराश ना हो, उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा। आप अगर सूर्य से पीड़ा हो रही है तो गेहूं का दान करें, लाल कपड़े में बांध करके रविवार के दिन गेहूं का दान करें, साथ ही सूर्य को हल्दी और रोली मिला करके जल अर्पित करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 7 बार जप करते हुए सूर्य को अर्घ दें और साथ ही पिता के कारक हैं सूर्य, पिता को सम्मान दें, सूर्य को प्रतिदिन स्मरण करें, प्रणाम करें और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र वगैरह भी पढ़ सकते हैं आप, जिससे कि सूर्य को पुष्टता प्राप्त होती है। अगर आप माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, नहीं तो तांबे का एक छल्ला ही पहन लीजिए। तो ये सब इसके उपाय हैं जिनसे कि आप इससे बच सकते हैं। तो सूर्य का ये जो ट्रांजिट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, न सिर्फ व्यक्तियों के लिए बल्कि देश के लिए भी, और बहुत सारे परिवर्तनों को ये जो ट्रांजिट है वो इसकी शुरुआत इस ट्रांजिट की वजह से होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, अगर आपको
ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम शनि के बारे में तैयारी कर रहे हैं, शनि की साढ़े साथी के बारे में बहुत ही विशिष्ट ढंग से हम आपके पास सामने फल लेकर के आएंगे। हर राशि के लिए अलग अलग इसका ट्रांजिट का फल लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं कि क्या क्या फल होगा शनि के ट्रांजिट का। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो आपको मिले। उसके लिए बेल आइकॉन को भी आप पुश करें सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।